Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 10 सर्वनाम प्रोनाउन। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक, प्रभात सुबह जल्दी आता है। दो, प्रभात प्रतिदिन अपने माता पिता को प्रणाम करता है। तीन, प्रभात प्रतिदिन सैर पर जाता है। चार, प्रभात रोजाना अपने विद्यालय जाता है। पाँच, प्रभात कक्षा में प्रभात के मित्रों की पढ़ाई में सहायता करता है। ऊपर के वाक्यों में प्रभात संज्ञा शब्द है। इन वाक्यों में प्रभात शब्द बार बार आया है, जिसके कारण वाक्य बड़े अजीब से लग रहे हैं। इन्हीं वाक्यों को निम्नलिखित रूप में पढ़िए। प्रभात सुबह जल्दी उठता है। वह प्रतिदिन अपने माता पिता को प्रणाम करता है। वह प्रतिदिन सैर पर जाता है। वह रोजाना अपने विद्यालय जाता है। प्रभात कक्षा में अपने मित्रों की पढ़ाई में सहायता करता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, वे, यह, मैं, तू, उसे, कौन, कोई, हम आदि। सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दो, निश्चयवाचक सर्वनाम। 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4, संबंधवाचक सर्वनाम। 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6, निजवाचक सर्वनाम। 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन, वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 1, उत्तम पुरुष। 2, मध्यम पुरुष। 3, अन्य पुरुष। 1, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, बात करने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं, जैसे मैं, मुझे, हम, हमें आदि। 1, मैं खाना बना रही हूँ। 2, हम कल गाना गाएंगे। 2, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, बात करने वाला सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप आदि। 1, तुम कल मेरे ऑफिस आना। 2, आप कहाँ जा रहे हैं। 3, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, बात करने वाला जिसके विषय में बात कहता है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे, यह, ये आदि। 1, वे कल दिल्ली जाएंगे। 2, वह वहाँ क्या कर रहा है। 2, निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट प्रोनाउन, वे सर्वनाम जो किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, वे, ये आदि। 1, यह मेरी पुस्तक है। 2, वह मेरा घर है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में यह तथा वह शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। 1, माता जी से कोई बात कर रहा है। 2, वह माता जी को कुछ दे रहा है। इन वाक्यों में प्रयुक्त कोई और कुछ शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 4, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरे सर्वनाम से अपने संबंध का बोध कराए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं,
जैसे, जो, सो, जैसा, वैसा आदि। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। एक, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। दो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तीन, जो डरेगा वह मरेगा। उपर्युक्त वाक्यों में जो, वह, जैसा, वैसा शब्द दो सर्वनामों में संबंध का बोध कराते हैं। ये सभी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। पांच, प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या आदि। एक, अभी अभी कौन गया है। दो, अपने बारे में तुमने क्या सोचा है। इन वाक्यों में कौन तथा क्या सर्वनाम शब्द किसी अनजान व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रश्न के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। छह, निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप ही आदि। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। एक, मुझे यह पाठ स्वयं याद करना होगा। दो, उसने अपने आप ही मुझे यहाँ बुलाया है। तीन, तुम आप ही चले आए। उपर्युक्त वाक्यों में स्वयं, अपने आप ही शब्द निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करा रहे हैं। सर्वनाम में विकार प्रोनाउंस डिसऑर्डर। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। संज्ञा शब्दों की तरह इसके रूप में भी परिवर्तन होता है। लिंग के कारण विकार डिसऑर्डर्स ड्यू टू जेंडर। लिंग के कारण सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए एक से सर्वनाम प्रयोग होते हैं, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग। एक, वह घर जा रहा है। एक, वह घर जा रही है। दो, वे चले गए। दो, वे चली गई। तीन, तुम झूठ बोल रहे हो। तीन, तुम झूठ बोल रही हो। चार, तू कल कहा था। चार, तू कल कहा थी। पांच, मैं किताब पढ़ूंगा। पांच, मैं किताब पढ़ूंगी। छह, वे सच कह रहे हैं। छह, वे सच कह रही हैं। वचन के कारण विकार डिसऑर्डर्स ड्यू टू नंबर्स। वचन के कारण सर्वनाम के रूप में परिवर्तन होता है। सर्वनाम में वचन निम्नवत होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, एकवचन, मैं, तू, वह, बहुवचन, हम, तुम, आप, वे। याद रखिए, रिमेम्बर, तुम का प्रयोग चाहे एक व्यक्ति के लिए किया गया हो या एक से अधिक के लिए, लेकिन इसका प्रयोग बहुवचन की तरह ही होता है, जैसे एक, तुम कल क्यों नहीं आए थे। एकवचन, दो, तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। बहुवचन, याद रखने योग्य तथ्य, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के छह भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं, एक, उत्तम पुरुष, दो, मध्यम पुरुष, तीन, अन्य पुरुष। सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं। इनमें वचन और कारक के कारण परिवर्तन होते हैं। सर्वनाम में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।